इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा याज्ञवल्क जी कहते हैं, काल पाई मुनि सोनु सोई राजा, काल पाई मुनि सोनु सोई राजा, अय मुनि सागर सहित रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों ने कठोर तप किया। बीच में जो अनुबंध लिया था कथा का, कठोर तप में रावण का एक ही सूत्र था कि हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे, ले हम किसी से मरे नहीं। पितामह ब्रह्मा घबरा गए, शिव जी को लेकर एक बार गए, जब तप पूर्ण हुआ इसका, दोनों लोगों ने मिलकर उसको समझाया, ये संभव नहीं है, मृत्युलोक है ये, यहां जो जन्मा है वो मरेगा। कुछ और मांगो, रावण ने कहा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक दो लोग छोड़ दो, तो कहा वानर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी से नहीं मरे। कारण रावण ये मान लिया था कि वानर तो वानर है और मनुष्य की क्या बिसात है, उसको तो हम मारी देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा तथास्तु। परंतु जब कुंभकर्ण के पास जा रहे थे, उसको देखा विशाल का शरीर, एक बार एक करोड़ वानर खा सकता था वो, इतना विकराल शरीर था। ब्रह्मा जी सोचने लगे यदि भोजन करेगा तो हम तो बनाते बनाते ही थक जाएंगे। तो माँ सरस्वती को प्रेरित करके और ब्रह्मा जी ने उसकी मति पलटवा दी। कुंभकर्ण मांगना चाहता था 6 माह जगूं, एक दिन खाऊं पीऊं सो जाऊं नींद पूरी फिर जग जाऊं। पितामह ब्रह्मा ने मति पलटवाई तो कुंभकर्ण ने मांगा 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं खाऊं फिर सो जाऊं, उल्टा मांग लिया। वो ठीक न कर पावे इसलिए ब्रह्मा जी ने झटके से कहा था तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण यहां बड़ा क्रुद्ध हुआ है कि हमारा भाई सोते रहेगा तो फिर ये व्यवहार कब करेगा। बोले ये व्यवहार करेगा ही तो फिर हमारा व्यवहार चुक जाएगा, इसके सोने में ही भलाई है, सृष्टि समाप्त कर देगा ये। ब्रह्मा जी इसके बर में एक और बात कह गए, जब तुमको निद्रा से अकारण कभी जगा दिया जाएगा तो समझ लेना अगले दिन ही तुम्हारे मृत्यु है। बनाने वाला बहुत सजग रहता है भैया, बहुत सजग रहता है। विभीषण जी के पास गए, कहे वो पुत्र भर मांग तेहि मांग से भगवंत पद,
विभीषण जी का नाम था धर्म रुचि पिछले जन्म में, इस जन्म में भी उनकी वही रुचि बनी रही। भगवान श्री हरि के चरणों में निर्मल प्रेम हमारा दृढ़ हो। तथास्तु। मैं दानव जो असुरों के विश्वकर्मा है, उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी जी का विवाह रावण से संपन्न किया। पाताल जाकर राक्षस विधि से दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण जी का विवाह करके लाया है। कुबेर पर धावा बोल करके उनका विमान छीन लिया। परिवारी जन बढ़ने लगे, बाढ़ आए जल की तरह। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं दे, साधुन सन परवार। जिनके यह आचरण भवानी ते जान हुन से चर। खल अकारण त्रास देने वाले, चौर वृत्ति करने वाले, हमारा नहीं है छीन झपट के ले लो, चौर वृत्ति। थोड़ा लगाओ ज्यादा पा जाओ, जुआ। एक लगाओ आठ पाओ, आठ लगाओ सोलह पाओ, सोलह लगाओ बत्तीस पाओ। कम मेहनत करके ज्यादा प्राप्त करने की जिसकी मनोवृत्ति है वो संख्या बढ़ गई। लंपट कहे कुछ रहे कुछ, पराई स्त्री पर जिसकी बुरी दृष्टि, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई। दूसरे के धन का आहरण करने के लिए उत्सुक रहने वाले ऐसे लोग बढ़ गए। धरती अनीत देखकर घबरा गई। तो रावण का कितना आतंक हुआ देखिए। बाबा कहते हैं जप जो ऐसा आचरण फैला, त्राही त्राही मचा दिए सब। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म कान से सुनाई नहीं पड़े कहीं। तेही बहुविधि त्रासई, देश निकासई। किसको? अत जो कह वेद। कथा वाचकन की बड़ी दुर्गति करता था। श्री चरणों में सरकार, बड़ी जगह सरकार, दंड कृपा, सरकार की कृपा, महापुरुषों की कृपा, महात्मा लोग कृपा करें, हमारा आपका सौभाग्य दर्शन करो, महात्मा लोग सम्मान करें विधायक महापुरुषों का। भैया जी की जय। दंडो 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 दंडो। हनुमत केल कुंज वाले महाराज जी, वाह वाह। हाँ हाँ, तो नाम तो हम नहीं लेंगे, हमारे पिताजी। तो हनुमत केल कुंज वाले श्री महाराज जी पधारे, जय जय आनंद हुआ। तो 20 मिनट भगवान के जन्म की कथा सुनो, 20 मिनट और आनंद करो। बड़ा मधुर वातावरण भया है, आज मंगलवार भी है ना, रक्तांबर लाला पहने। तो श्री महाराज जी पधारे, श्री हनुमत केल कुंज, श्री धाम अयोध्या जी, परम सौभाग्य है। आप लोग भी प्रणाम कर लो। हाँ, बड़े समझदार लोग हैं आप लोग। धरती मैया घबरा गई हो, काहे से? रावण के उत्पात से। मुनियों के पास गई, मुनि लोग ब्रह्म लोक गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव जी के लोक पधारे। बैठे सुरसब करहीं बिचारा,
कह पाई प्रभु करिए पुकारा। सब लोग पुकारते हैं कैसे भगवान मिलेंगे। पुर वैकुंठ जान कह कोई को कह पय निधि बस प्रभु। बाबा बोले जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभु तट सदा तेरी। जिसके हृदय में जितना जैसा प्रेम रहता है परमात्मा उसी भाव से उसके सन्मुख उसके हृदय में उत्पन्न होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं। असप्रभ हृदय अच्छा तो भिकारी तो है ही है बैठे ही है। जैसा प्रेम आनंद। माँ ने पूछा बाबा आपने क्या कहा। बाबा बोले ते ही समाज गिरिजा मैं रहू अब अवसर बचन एक कर। सब अपनी अपनी कह रहे थे तो मैं चुप पे बैठा रहा। समाज में तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक अवसर न मिले। चुप पे बैठना चाहिए। कई लोग बैठते नहीं हैं बोलते ही रहते हैं बड़बड़ बड़बड़। सबकी सुननी भी चाहिए केवल अपनी नहीं झोंके रहना चाहिए दूसरे की भी सुननी चाहिए। बाबा कहते हैं मैंने क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हो ही मैं जान अग जग मैं सब रहित विरागी प्रेमत प्रभु प्रगट परमात्मा सर्वत्र है सब जगह है तो प्रगट प्रकट कैसे होंगे आ तो प्रेम से प्रकट होंगे तो प्रेम का पता कैसे चलेगा स्मरण से चलेगा। पितामह ब्रह्मा ने साधु वचन कह के प्रशंसित किया मुझे और भगवान ब्रह्मा के चार मुख हैं चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने चार छंद में भगवान की पावन स्तुति की। सब देवता लोग संग लग लिए नारद जी वीणा बजा रहे हैं भक्तराज प्रहलाद जी कीर्तनिया हैं मजीरा बजा रहे हैं सब देवता गाने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।